Welcome to Shimla! Every time you two are getting rough, my mind just sounds like trying love off a test. No, 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 no. Just no, 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 no. भगवान जी कृपा बनाए रखना। आप इसे फॉग भी कह सकते हो या फिर पोल्यूशन भी कह सकते हो, लेकिन विजिबिलिटी काफी कम है रोड पर। सल्यूट सल्यूट OMG आई थॉट दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज यार हम जा रहे हैं मनाली की ओर, क्योंकि बहुत दिनों से राइड नहीं करी थी एंड बहुत दिनों से व्लॉग भी शूट नहीं कर रहे थे। तो आज जा रहे हैं मनाली की ओर एंड हमारा प्लान है कि रोहतांग पास से भी आगे तक जाएंगे। तो जो भी होगा आपको बताते हैं व्लॉग में। और हमारे साथ जा रहे हैं VS नेविगेशन भाई एंड हमारे साथ जा रहे हैं वी ट्रैवलर भाई, जो भी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब GoPro पे मिलते हैं एंड दोस्तों इन व्लॉग्स को भी उतना ही प्यार देना जितना कि आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को देते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। भगवान जी कृपा बनाए रखना। सो दोस्तों ये हमारी एक मीटियोर फुल्ली लोडेड, और ये हमारी दूसरी मीटियोर वो भी फुल्ली लोडेड। देख सकते हो भाई क्या तो सेक्सी लग रही है। अमेजिंग भाई, बहुत ही प्यारी। चलो भाई निकले, आ जाओ मंगा भाई, आ जाओ। ओके गाइस चलो भाई निकलते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया है। चलो पंगा भाई। ओके गाइस जय श्री राम। तो दोस्तों फॉग होने लग गया है दिल्ली की सड़कों पे एंड मौसम है थोड़ा थोड़ा ठंडा, मतलब ज़्यादा भी ठंड नहीं लग रही है, बढ़िया एकदम बढ़िया। और आगे हमारे मिट्टियार जा रही है, ये भी मिट्टियार है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस रोड ट्रिप पे। तो देखो दोस्तों ये होता है हैज़र्ड का फ़ायदा, इतनी दूर है विशाल भाई और पूरे दिख रहे हैं, विजिबिलिटी दिख रही है हमारे को कि भाई वहाँ पे है बंदा, पहचान में आ जा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है एक। और आप देख सकते हो कि काफ़ी फॉग हो रहा है रोड पे, तो इस टाइम अगर ऐसे ही चले हम तो यार सेफ नहीं रहेगा वो। तो अपनी तरफ से तो भाई सेफ्टी बना के रखनी चाहिए, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। और इस घड़ी पर मत जाना, इसका घड़ी का टाइम गलत है। ओहो तो दोस्तों ठंड में चाय से बढ़िया चीज कोई भी नहीं है भाई, क्या कहते हो? चाय यार आज का जो गोल है ना वो है शिमला पहुंचना, और शिमला यहाँ से 297 किलोमीटर दिखा रहा है एंड जो टाइम दिखा रहा है 6 घंटे 14 मिनट, तो बहुत टाइम है, आराम से जाएंगे घूमते घामते बिल्कुल मेमोरी क्रिएट करते हुए, क्योंकि यार एक ही लाइफ है। तो दोस्तों अब हो गया टी ब्रेक डन, अब निकलते हैं राइड पे। तो फर्स्ट ब्रेक हमने ले लिया 70 किलोमीटर पे ही, बस अब थोड़ा खींच के लेंगे एंड फिर लेते हैं ब्रेक। तो बैठते हैं बाइक पे, कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। अब थोड़ी विजिबिलिटी आ गई है रोड पर, लेकिन ठंड की बात करो तो भाई ठंड थोड़ी बहुत लगी रही है। अब इसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे थोड़ी चलाने के बाद, क्योंकि अभी तो हमने बस 70-80 ही चलाई थी और उसके बाद ही ब्रेक ले लिया, लेकिन यार इतनी जल्दी जाके भी क्या ही करेंगे, है ना। तो आराम से जाएंगे घूमते घामते बिल्कुल हर चीज़ का मज़ा लेते हुए, क्योंकि उसी में मज़ा है एक्चुअली। एंड हर जगह कोहरा ही कोहरा है, इतना फॉग है भाई रोड पे क्या ही बताऊँ। भाई ने शर्ट आउट दे रहा हूँ भाई को, भाई शर्ट आउट, भाई खाना
मेरा खिला देना बस उसमें हो जाएगा मेरा को। तो भाई जब वीडियो बनाइए भाई को हम खाना खिलाएंगे बस खाना खिला देना पैसे कम कर देना राइड करेंगे हम मैं तुम्हारे लिए और हमारी और वीडियो बनाएंगे जमीन पे लेट लेट के बताना बिल्कुल भाई कैसे बनाई थी तो हमने अम्बाला क्रॉस कर लिया है एंड अभी हम रुके हैं लंच ब्रेक के लिए। यहाँ से शिमला है 136 किलोमीटर तो अप्रॉक्स 3.5 घंटे लगने वाले हैं। 3.5 घंटे में आराम से हम पहुँच जाएंगे। तो अभी करते हैं लंच एंड फिर मिलते हैं आपसे। All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. Pangaj bhai, aapki pehli road trip bike pe kaisa lag raha hai aapko? Mere ko bhai yakeen nahi ho raha abhi tak. Chuti chuti kaatni padegi mere ko. Kyun bhai, aisa kyun? Bhai believe hi nahi ho raha yaar. यू ना ये मेरा छोटा सा एक सपना था, क्या था छोटा सा सपना कि यार दोस्तों के साथ बाइक राइड पे मनाली जाएंगे, वो आज सपना पूरा हो रहा। तो यू नो बिलीव नहीं होता थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ एंड यार थोड़ी थोड़ी सी गर्मी लग रही है। मॉर्निंग में तो ऐसा माहौल था कि क्या ही बताएं, फॉग ही फॉग हर जगह एंड ठंड भी काफ़ी लग रही थी यार। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो भाई मौसम ठीक ठीक हो गया, मतलब इतनी कुछ ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। और भाई ये आ गया है यहाँ पर टोल, लेकिन बाइक की अच्छी बात यह है कि टोल वोल कुछ नहीं लगता, सीधा जाओ एंड निकल जाओ, तो ये अच्छी बात है काफ़ी टोल की। हिमालयन एक्सप्रेस वे, वाह नाम कितना अच्छा है। तो मतलब एक्सप्रेसवे आ गया है और हैं, मतलब और बढ़िया बाइक चलेगी अब तो। दोस्तों आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ से ना पहाड़ की शेडो दिख रही है और अल्टीमेट लग रही है, मतलब अल्टीमेट आई कैन टेल यू। मतलब फॉग दिख रहा है, इसके पीछे पहाड़ ही पहाड़ है बड़े बड़े, तो इनकी शेड्स दिख रही है हमारे को एंड वी कांट वेट टू गो देयर। मतलब यार बस अब तो भाई आई होप दिख रहा होगा इसमें। ओ भाई पहाड़ों का जो सीन देख के मज़ा आया ना, दैट इज अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, मतलब मज़ा आ गया। आप दोस्तों शिमला अभी भी 90 किलोमीटर बाकी है और अभी से ही पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं एंड यार जब पहाड़ का व्यू दिखता है ना फर्स्ट राइड पे फर्स्ट दिन में, मतलब वो पागल कर देता है बिल्कुल ही। दैट इज़ लुकिंग अमेजिंग यार गाइस, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग भाई, मतलब अल्टीमेट यार बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। तो दोस्तों यहाँ से हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो रही है, यहाँ थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यार। पुलिस वाले अंकल कहाँ ले जाऊँ मैं इसका वाली बात। वाह दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा है देखो, लेकिन बाइक का फायदा है साइड से आप निकल सकते हो आराम से, गाड़ियों का तो भाई बहुत वेट करना पड़ रहा है भाई। और रास्ता बहुत बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा रास्ता है। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों चेकिंग हो रही है, हमारे आर्मी के जवान चेकिंग कर रहे हैं विच इज़ एक्चुअली नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। बहुत दिनों बाद पहाड़े में आया यार और ऐसा फील हो रहा है कांट टेल यू, मतलब बहुत ही अच्छा। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चाय या मैगी खाने का या फिर कॉफ़ी पीने का। तो फिलहाल अभी हम रुके हुए थे एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए एंड ये जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी है, एक बार ये मैं आपको 360 व्यू देता हूँ, एक बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों कॉफ़ी ब्रेक हो गया डन, अब निकलते हैं हम आगे के लिए। और अगर मैं बात करूँ शिमला यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, कुछ 30 किलोमीटर रहता है, तो
तो आप सीधा ब्रेक शिमला में ही लेंगे। एंड यार रोड ना यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही डेवलप्ड रोड्स हैं यहाँ पे। फ्लाई ओवर मतलब इतने हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई ओवर्स वगैरह बना रखे हैं यहाँ की गवर्नमेंट ने, तो बहुत ही अच्छा काम है। एंड दोस्तों वन थिंग विच आई लव अबाउट दिस बाइक इज भाई इसका टॉर्क। अब हम दो लोग हैं इस बाइक पे एंड फिर भी चढ़ाई चढ़ रही है थर्ड गियर में आराम से बिना किसी दिक्कत के, बहुत ही प्यार से देखो बिना किसी दिक्कत के आराम से चढ़ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डाउन शिफ्ट नहीं करना है आराम से। जबकि मेरा भी वेट 80 किलो होगा और मेरे फ्रेंड का वेट भी 80 किलो होगा आराम से, और थर्ड गियर में इनक्लाइन जा रही है बहुत ही प्यार से। दैट्स द टॉर्क ऑफ मीटियोर 350। और क्या रास्ता है भाई, लीन हो रही है पूरी यार। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू शिमला बट स्टिल आई थिंक 25 किलोमीटर्स रह रहे हैं। अंकल सैल्यूट है, सैल्यूट है अंकल। भाई कितना अच्छा लगता है यार, भाई दिल से खुशी होती है इसके लिए तो, है ना। दोस्तों एक नया रोड आ गया है और कितना प्यारा रोड है भाई, ऐसा लग रहा है अभी बना है। बहुत ही मजा आ रहा है, ऊपर जाते जा रहा है एंड रस्ते खत्म नहीं हो रहे भाई। सो गाइस शिमला रह गया है बस कुछ ही किलोमीटर, हार्डली 2 किलोमीटर्स एंड बिल्कुल चढ़ाई है भाई, पूरी स्टीप चढ़ाई है। ओहो मजा आ रहा है भाई, करवी रोड। ओल आ गए भाई। तो भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं लग रहा है मुझे। तो अभी हमारे को ढूंढना है एक होटल एंड फिर सामान रखेंगे एंड फिर थोड़ा सा शिमला घूमेंगे। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों हमारे को रूम मिल गया बहुत ढूंढने के बाद। एंड यार हम एक गलती हमेशा करते हैं, हम क्या करते हैं कभी भी प्री बुकिंग नहीं करते, हम वहीं जाके ढूंढते हैं। तो हम वहीं जाके बुकिंग करते हैं, वो काफी अफोर्डेबल पड़ जाता है कभी कभार, लेकिन कभी कभार बहुत घूमना पड़ता है। एंड अगर हालत की बात करूँ तो हालत बहुत ही बुरी हो रखी है, क्योंकि भाई सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, 4 बजे से घर से निकले हैं एंड मैं तो बिना सोए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम जा रहे हैं शिमला से मनाली एंड फिर रोहतांग पास एंड अटल टनल भी एक्सप्लोर करेंगे उसी ब्लॉग में। तो स्टे कनेक्टेड एंड हमारे भाई का भी बर्थडे है तो उसे भी एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।